आजाद समाज पार्टी के जुनेद व नासिर की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। आजाद समाज पार्टी ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने के साथ साथ लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर शामली पहुंचकर राजस्थान के जुनेद व नासिर हत्याकांड पर गहरा आक्रोश जताते हुए एक ज्ञापन एसडीएम शामली को सौंपा। आजाद समाज पार्टी शामली के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान के भरतपुर जिले के घाट मिका पहाड़ी गांव से 10 फरवरी को अपहरण करके कथित गौ रक्षकों द्वारा जुनेद में नासिर की निर्मम पिटाई और उन्हें गाड़ी में हरियाणा के भिवानी इलाके में जिंदा जलाने की घटना में अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और न ही सरकार ने पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा या राहत प्रदान नहीं की है। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को आजाद समाज पार्टी ने अपराधियों की तत्कालीन गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की थी, लेकिन राजस्थान और हरियाणा सरकार ने इस प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हत्या, बलात्कार और शोषण की घटनाएं हो रही हैं और प्रदेश सरकार जातिगत कारणों से मुआवजा व न्याय में भेदभाव कर रही है। रिपोर्ट अमर राठी। मेरा नाम अंकुर अम्बेडकर, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम जिला सामने। क्या मामला हुआ जो ज्ञापन दे लाए? ये मामला है राजस्थान जिले का, राजस्थान के भरतपुर जिले से जुनेद भाई और नासिर भाई, दोनों भाइयों को गौ रक्षक द्वारा उठाया जाता है और वहाँ से ले जाकर हरियाणा में उनको मार दिया जाता है और उनकी बॉडी जलाने का प्रयास किया जाता है और सरकार द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, जो कि यह सरकार भेदभाव करती है। क्योंकि उससे पहले एक इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल जो एक दलित समाज से थे और जो ओम प्रकाश रेंगर जी, इनके खिलाफ जब भी प्रोटेस्ट किया था लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं की सरकार ने। तो हमारी यही मांग है कि नासिर भाई और जुनेद भाई को भी तत्काल प्रभाव से मुआवजा दिया जाए और सीबीआई जांच हो और उनके परिवार को एक आर्थिक सहयोग और 50 एक सरकारी नौकरी दी जाए।